अगर आप ध्यान से अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो छोटी सी पेंटिंग आपको नजर आ रही है वो होली काबा की है। और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जम्मू कश्मीर के जो पहले आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस तरह से होली काबा की स्मॉलेस्ट पेंटिंग बनाई है। मिलिए कुलगाम से मुदस्सिर रहमान डार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मुदस्सिर, आपको बहुत मुबारक है कि आपने इतने यूनिक आइडिया के साथ होली काबा की ये जो तस्वीर है इतने छोटे से रूप में उतारी है। जी मैम, आपका शुक्रिया। तो बताइएगा किस कैसे आपके जहन में ये ख्याल आया कि मुझे इतनी पाक, मैं कहूंगी इतने लोगों का रिलीजियस सेंटिमेंट इससे जुड़ा हुआ है, और उसको कैसे आपने किसी लीफ में, रिंग में, कैसे आपने इसे इतनी छोटी तस्वीर बनाई? जी मैम, पहले आपका शुक्रिया। मैं मुदस्सिर रहमान डार कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मुझे ये आइडिया तब आया जब हर कोई एक छोटी सी पेंटिंग बना रहा था काबा शरीफ की, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं डिफरेंट तरीके से फ्री काबा की एक पेंटिंग बनाऊं। तो फिर मैंने इसके ऊपर काम किया, तो कुछ चीजें तो नेचुरली होते हैं इंसान के अंदर, जैसे ये आर्ट का फन। तो मैंने भी इसके ऊपर काम किया, मैंने सोचा क्यों मैं लीफ के ऊपर और पेंसिल लीड के ऊपर और स्टून के ऊपर मैंने ये काबा शरीफ की पेंटिंग बनाई। जी तो कितना वक्त आपको लगा, आइडिया आने में ज्यादा वक्त लगा कि बनाने में ज्यादा वक्त? ज्यादा वक्त तो आइडिया आने में लगा, तो आइडिया के ऊपर मैंने सोचा कि चलो आइडिया आया मन में, तो फिर मैंने सोचा कि कैसे मैं इसके ऊपर काम करूं। तो फिर एक 2 दिन लगे इसको बनाने में, तो फिर ये कंप्लीट हुई। बिल्कुल, कश्मीर से आपने सबको एक प्राउड मूवमेंट दिया है क्योंकि आप पहले आर्टिस्ट हैं इस तरह पेंटिंग बनाने वाले। तो मैं चाहूंगी अपनी जर्नी के बारे में आप कश्मीरी में हमारे कश्मीरी भाइयों से बताएं, कश्मीरी लैंग्वेज में। कश्मीरी लैंग्वेज में जी मैम, लक्चार पढ़े उसमें उकुन शुवक पेंटिंग हुन, तो स्कूल लेवल पढ़े घर वाले घर की यानी कि थोड़ा सपोर्ट करन अथ मज, तो बोस देवार पर थोड़ा तिमन सिंजन सित बनावन किया चित्र वितर किया शक्ल वगैरह। तो पद्दो फादर ना इमुच कलर पेवन बारुन, तो अन तिमो कलर तकरीबन 4th 5th कथ पास्ट कथ। तो ये जर्नी पच ब्रो तो पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन आ तथ मज मिले एप्रिसिएशन, तो मे गो अंदर बेहन तो शौक, मे दोप ना क्या अत मज करो ब्रोट कुन तु वो क्या तम सात उस, मगर ये यूट्यूब वगैरह क्या सोशल मीडिया उस कहीं ते यम सात मैं ये गॉड गिफ्टेड उस ये आर्ट शौक। तो पत ब्रोट कुन इंसान डिस्ट्रिक्ट लेवल नेबर नेबर द्राव उस्ताद वो अमिक, तो पोक इंसान ब्रोट तो स्किल्स तो इंसानस पे पाने डेवलप गसन ये कुन चीज शौक आसन। तो रब सम करम तो बस थोड़ा क्या क्रिएटिव वर्क्स करन ज्यादा बहुत करन एब्स्ट्रैक्ट फिगरेटिव तो उस करन यानी कि कैसे तस्वीर बनाव या पोर्ट्रेट बनाव। तो पता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे मैं थोड़ा एप्रिसिएशन दिन बाकी बाकी तो द्राउस पे नेबर थोड़ा पत कुर मैं JKCCA थ्रू ते आक नेशनल एग्जिबिशन अमृतसर कुर चंडीगढ़ कुर इथे कहीं गो पत ऑनलाइन इंटरनेशनल बाकी चीज। तो पची जर्नी ब्रोट तो ज्यादा बहुत करान एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क के सशन समझ तरन क्या, तो सोशल इशू तुम तथ मज कर हाईलाइट हालांकि ड्रग एडिक्शन चाइल्ड अब्यूज चाइल्ड लेबर या मेंटल हेल्थ पे इन चीजन पे काम करन। तो ये काम कंटिन्यू तो अमे अलावा तीन आइडिया इन पे काम चलान प्रेजेंट। बिल्कुल, और क्या बताएंगे इसके बारे में, ये क्या लीफ है, रिन है, कैसे किन मटेरियल पे आपने एक्चुअली ये जो मैंने सिटून सिटून के ऊपर बनाई यानी कि अंगूठी के नगीने पे मैंने ये काबा शरीफ की पेंटिंग बनाई, और उसके अलावा जो पेंसिल होता है पेंसिल पेंसिल के नोक पे मैंने वो पेंटिंग बनाई काबा शरीफ की, और रियल लीफ पे मैंने बनाई, किसी कैनवास पे नहीं और कागज पे नहीं, लीफ पे बनाई मैंने। लीफ पे बनाई आपने, तो बहुत मुश्किल रहा होगा इतनी बड़ी तस्वीर को इतने छोटे रूप में करना। जी मैम, जी जी एक्चुअली जो लीफ पे है वो इससे बड़ी है, जो पेंसिल पे है वो इससे छोटी है, और ये सबसे छोटी है
स्टून के ऊपर। स्टोन के ऊपर। तो कहते हैं इंसान के अगर नेक इरादे होते हैं तो ऊपर वाला उसे कहीं ना कहीं जरूर सक्सेसफुल करता है, उसे मुकम्मल करता है। और मैं देख रही हूँ बहुत सारे व्यूअर्स जो हमारे से ज्वाइन किए हुए हैं लिख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि जाहिर तौर पर होली काबा की अगर बात करें, बहुत सारे लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, पूरी दुनिया में, ना ही सिर्फ कश्मीर की बात करूंगी या पूरे देश की करूंगी, पूरी दुनिया में जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उससे जुड़े हुए हैं। और उसे इस तरह से इस तरह से बयां करना एक आर्टिस्ट कर सकता है। तो क्या कहेंगे इसके बाद, आपको कितना अप्रिसिएशन मिला, या आपने कितना एक्सपेक्ट किया था, या कितना ज्यादा स्कोप आपको नजर आता है? जी मैम, अगर इसके बारे में बात करें तो मैंने ये नहीं सोचा था कि एशियन में नाम आएगा, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आएगा, या किसी नेशनल लेवल पे मेरा नाम आएगा, या सुर्खियों में ये न्यूज़ चलेगी कि इसने कुछ बनाया। तो ये मैंने नहीं सोचा था। तो मैंने ऐसी बनाई थी काबा शरीफ की पेंटिंग, मैंने सोचा कि चलो दिल से बनाई, मैंने ये रिलीजियस थॉट था मेरा, तो मैंने इसके ऊपर काम किया। तो अल्लाह के करम है, तो हर किसी ने चाहा कि मैं देखूं, और सोशल मीडिया ने भी सुर्खियां बटोरी। तो ठीक है, ये तो अल्लाह करम है मेरे ऊपर। और रही एडमिनिस्ट्रेशन की बात, एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे आज तक सपोर्ट नहीं मिला। अगर मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करूं या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं J&K के अंदर, यहाँ तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है कश्मीर के अंदर। तो अगर यहाँ कहीं पे कमी है वो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, यहाँ उतना सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे अगर हम कश्मीर के बाहर से बाहर की बात करें तो वहाँ सपोर्ट मिलता है बंदे को, यहाँ उतना सपोर्ट नहीं मिलता। मैंने जो काम किया आज तक तो खुद के बलबूते पे किया। जी मैम, बिल्कुल, और इसी तरह से आप काम करते रहें, क्योंकि इंसान जब ऊपर वाले पे भरोसा रखे और अपनी मेहनत पे भरोसा रखता है तो जरूर वही मुकाम हासिल करता है जो वो करना चाहता है। तो आखिर में तमाम जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज आप करेंगे? बस मेरी यही मैसेज है व्यूअर्स के लिए, जो भी काम आप करो दिल से करो, मंजिल तो आखिरकार मिल ही जाती है। बिल्कुल, जाहिर तौर जी पर। मैम, तो एक बार फिर आपको मुबारक इतना नेक काम करने के लिए। तो मुदस्सिर रहमान शुक्रिया। यार हमारे साथ कुलगाम से ज्वाइन किए हुए थे, और एक बार फिर मैं आपको अच्छे से तस्वीर दिखा देती हूँ, ये आप साफ तौर पर देख सकते।